हेलो गाइस, दिस इज शिवम शर्मा। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज क्या करने वाले हैं? तो आज होने वाला है, हमारी मेन क्लास बन चुकी है, मतलब बनी हुई है, लेकिन आज हमारा टॉपिक, अगर सब कुछ देखते हो आ रहे हो तो समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन नहीं आ रहे हो तो मैं आपको बता दूं भैया, मैंने इससे पहले फाइनली करवाया था ट्राई कैच, फाइनली एक्सेप्शन हैंडलिंग चल रही है, तो प्लीज टॉपिक देख के आए और टाइम बर्बाद नहीं करेंगे जो सीरीज वाइज चल रहे हैं। भैया अब उन पे आते हैं जो हमारी सीरीज देख के आ रहे हैं, ठीक है? फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज तीनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बच्चों को कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आप किसी और की वीडियो देख के आ रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, पहले वीडियो देख लेना पूरी, उसके बाद जज करना मुझे, ठीक है? फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज क्या होता है भैया? फाइनल तो एक कीवर्ड है, फाइनली भी एक कीवर्ड है, फाइनलाइज भी एक कीवर्ड है। जी हाँ, तीनों ही कीवर्ड है अगर कहने की बात करूंगा तो मैं। लेकिन जैसे इफ एक कीवर्ड है बट कर्ली ब्रेसेस के साथ आता तो एक ब्लॉक बन जाता है, सेम फाइनली अपनी बॉडी के साथ जब आता है तो एक ब्लॉक बन जाता है। तो फाइनल को एज अ कीवर्ड कंसीडर किया जाता है और फाइनली को एज अ ब्लॉक कंसीडर किया जाता है। तो फाइनलाइज क्या है? फाइनलाइज एक मेथड है, जब पैरेंथेसिस लग जाते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स लग जाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? वो मेथड। तो फाइनलाइज के आगे ब्रैकेट्स लगे होते हैं, प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा अपने कोडिंग राउंड पे, ठीक है? जस्ट अ मिनट। अब फाइनलाइज एक मेथड है, ये तीन पॉइंट क्लियर हो गए। अब बात करते हैं ये फाइनल कहाँ कहाँ यूज होता है। अगर आपको रिमेम्बर हो, अगर आपने किसी और की वीडियोस देखी होंगी, कॉन्सेप्ट पता होगा, तो वेरिएबल, मेथड एंड क्लासेस तीनों जगह फाइनल यूज होता है। अभी करके दिखाऊंगा। फाइनल वेरिएबल होता है, फाइनल मेथड भी होता है और फाइनल क्लास भी होती है। व्हाट इज द फाइनल वेरिएबल? फाइनल वेरिएबल मतलब किसी वेरिएबल को कॉन्स्टेंट करना होता है तो फाइनल कर देते हैं अगर नहीं मालूम तो। मेथड को फाइनल करने से क्या फायदा होता है? वो मेथड ओवरराइड नहीं होता है, जब जब एक्सेप्शन इनहेरिटेंस लगता है तो ओवरराइड नहीं होता है, तो ये हो गया। क्लासेस की बात करूं तो फाइनल क्लास कॉन्स्टेंट हो जाती है, उसके फिर आगे चिल्ड्रन नहीं ग्रो करते, मतलब वो इनहेरिट नहीं हो सकती, एक्सटेंड नहीं हो सकती। फाइनली, फाइनली फाइनली बोले तो यूज विद ट्राई कैच, मतलब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में ये कॉन्सेप्ट हमारा ऊप्स का है और ये कॉन्सेप्ट हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग है। ये फाइनली कहाँ काम आता है? जब ट्राई कैच में ऑब्जेक्ट की क्लोजिंग होती है, डाटाबेस कनेक्शन की क्लोजिंग होती है, या फिर हमारा क्या होता है बोले तो, हाँ, कोड को क्लीन अप करना होता है, वहां पे हमारा फाइनली यूज। फिर फाइनलाइज का क्या काम है? फाइनलाइज भी हिस्सा है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, बट फाइनली की तरह कुछ हद तक सिमिलर काम करता है, लेकिन थोड़ी चीजें अलग है। फाइनलाइज एक मेथड है जो एट द टाइम ऑफ कॉलिंग पे काम आता है और यूज फॉर क्लीनिंग कोड, ये सिर्फ कोड को क्लीन करने के काम आता है, ठीक है भाई? जो एकदम फाइनलाइज मेथड है, अब ये सबसे लास्ट में जब सारे एक्सेप्शन हैंडलिंग चल हो जाएंगे तो हमारा फाइनलाइज मेथड कॉल हो जाएगा। ओके, ये चीजें होती हैं। बारी बारी इन पे जरा सा हम थोड़ा सा कोड करके देखते हैं और चर्चा करते हैं, ध्यान दें थोड़ा सा डिफरेंस इनका, ठीक है? फिर चलते ना। हाँ, अब देखो फाइनल कर दिया मैंने, फाइनल इंट आई इक्वल टू जीरो, बस। अब मेरा ये क्या हो गया? आई इक्वल्स टू आई प्लस टू नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने इसको जीरो फाइनल कर दिया। सेव करके कोड को रन करके एक बार एरर जरूर दिखाऊंगा मैं आपको, और एरर मेरे पीछे आ रहा है क्या? हाँ, ये देखो, ठीक है, ये क्या बोल दिया? अनरिजॉल्व कंपाइलेशन एरर, आई कैन नॉट बी चेंज, कैन नॉट बी असाइन, दोबारा असाइन कर रहा था, ठीक है, ये हो गया। अब मेथड के साथ यूज कर लूंगा मैं, तो मेथड के साथ मैंने बताया आपको ओवरराइड नहीं होता है। अच्छा, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है, मेथड बना देंगे तो मेथड ओवरराइड नहीं होता है, यानी कि ये कैसे जानेंगे हम? क्लास पापा बनाएंगे हम, ठीक है, और इस क्लास का बेटा बनाएंगे हम। क्लास बेटा एक्सटेंड किसे कर रहा होगा? एक्सटेंड्स कर रहा होगा पप्पा को, ठीक है। अब चर्चा किस पे रहेगी भाई? मेथड को फाइनल कर दिया मैंने, फाइनल मेथड, तो फाइनल वॉइड मेथड कर दिया, ठीक है। अब इसमें मैं कुछ प्रिंट करवाऊं, पापा प्रिंट करवाऊं, तो ये पापा ही देगा। अब इसको ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं, यानी कि बेटे की क्लास में दोबारा लिखने की या डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। सी,
अब सेव करके रन करूंगा कोड को, दोबारा एरर देगा और वहां से भी वो एरर दे ही रहा है, ये आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब इतनी चीजें थी और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। ठीक है, यानी कि ये ओवरराइड नहीं होगा, ग्रेट, तो रिमूव करना पड़ेगा। और क्या चर्चा हो सकती है? अच्छा, ये आउटपुट में क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मैंने इसको अभी कॉल ही नहीं किया, इसका यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया। तो ये देखो बेटा, PT इक्वल्स टू न्यू बेटा, ओ बेटा, बेटा आ गया हमारा। ठीक है, बेटा मेथड को लाएगा, अब एरर आएगा ना? तो एरर नहीं आया था क्योंकि हमारी मेन क्लास चली थी, तो मेन क्लास चलेगी, मेन क्लास में कोई मेथड ही नहीं था। तो भाई ठीक है, ये आया वो सारा कुछ कर लेना। ओके, अब करते हैं फाइनल क्लास। फाइनल क्लास तो भाई एक्सटेंड ही नहीं करेगा, मतलब इसके आगे अगर मेरा फाइनल लग जाता और इसको जरा काट दें, तो देखो अब पापा पे दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि हमने वहां फाइनल लगा दिया, अब ये पापा एक्सटेंड नहीं हो सकती है। सेव करके कोड को रन करने की भी कोशिश कर लो, तब भी वही देगा, अनरिजॉल्व कंपाइलेशन एरर, मेथड इज अनडिफाइंड, कि पापा एक्सटेंड हुए ही नहीं। ओके, ये थी हमारी चीज फाइनल पे। अब बात किसकी करेंगे हम? फाइनली फाइनली बोल रहे, ट्राई कैच के साथ लग जाता है, ट्राई के साथ लग जाता है, मतलब सिंपल सा, पहले इसको उड़ा दूं मैं, दिया ना, हो गया। अब ट्राई 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 ट्राई, ये बन गया ट्राई हमारा। अब इसमें कैच लगेगा, एक्शन, हम तो फाइनली की बात कर रहे हैं ना, तो ट्राई के साथ फाइनली, ट्राई के साथ फाइनली आज होगा। तो भाई ट्राई में क्या डाला हमने? 6 डिवाइडेड बाय 0, ग्रेट। अब हमारा फाइनली चलेगा कि नहीं ये चेक कर ले हम। मैंने क्या बताया? एक चीज मैं शुरू से बताते आ रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि फाइनली हमारा चलना ही चलना है। बोलते ना फाइनली, भैया कुछ भी जब हो जाएगा, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, मतलब एट द एंड जो भी निकल के आएगा हमारा फाइनली निकल के ही आना है। ठीक है, सेव करते हैं कोड को, रन करते हैं, कोड हमारा रन हो गया है और कुछ आ गया, देखो फाइनली और एक्सेप्शन बाद में इसने प्रिंट करा है। ठीक है, एक्सेप्शन डिवाइडेड बाय 0 है, फाइनली हमारा चलता है। तो पहले हमारा फाइनली दे दिया, ग्रेट, कैच देते तो ये एक्सेप्शन हैंडल हो जाता। हमने तो हैंडल नहीं किया, एक्सेप्शन था लेकिन हमने इसको हैंडल नहीं किया। अच्छा, ट्राई चलेगा उसके साथ, फाइनली चलेगा कि नहीं देख लेते हैं। सेव करेंगे कोड को, रन करेंगे, अब देखो ट्राई भी चलेगा फाइनली भी चलेगा, देखते जाना। 6 और फाइनली, एक्सेप्शन आए या ना आए फाइनली को फर्क नहीं पड़ता, फाइनली तो चलना ही है। ठीक है, तो 6 फाइनली, ये चीज समझ में आ गई। अब बात किसकी करेगी? अब बात मतलब फाइनली तो हो गया, ट्राई के साथ भी कर सकते हो, ट्राई कैच के साथ भी यूज कर लेना, वरना पुरानी वीडियो देखी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्यादा वीडियो को खींचना नहीं है यार, तो की तरह हम 40 मिनट की वीडियो, 50 मिनट की वीडियो खींच लो। ठीक है, फाइनलाइज मेथड क्या होगा? चलो करके देखते हैं एक बार। भैया यहाँ पे आ जाना है, यहाँ बनाओगे क्या फाइनलाइज? मेथड के अंदर मेथड नहीं बनते, हमको कहाँ जाना है? इसके ऊपर चले जाएंगे मेन क्लास में, यहाँ फाइनलाइज कर लेंगे। एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी, प्रोटेक्टेड वॉइड फाइनलाइज, बस। ठीक है, अब यहाँ पे आप फाइनलाइज मेथड कॉलिंग, फाइनलाइज मेथड कॉलिंग। जनरली एक चीज बोलूं, फाइनलाइज मेथड हर गार्बेज कलेक्शन से पहले ही कॉल हो जाता है, मोस्टली ये क्लीन अप के लिए ही काम आता है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा फाइनलाइज मेथड कॉलिंग। अब इसको जब तक मैं कॉल नहीं करूंगा तब तक तो ये आएगा नहीं, मेथड आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। मैं इसको देखो फाइनली के बाद कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा? तो क्लास का नाम रखते हैं, स्टैटिक नहीं बनाया उसको, ठीक है, मेन, या तो मेन क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया था, मेन क्लास डॉट करेंगे, कुछ आएगा नहीं क्योंकि स्टैटिक नहीं बनाया तो आएगा नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ मेन क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, स्टैटिक वर्ड मेन, आते हैं मेन क्लास, ठीक है, एम सी इक्वल्स टू मेन क्लास, ओके, बनाएंगे न्यू, ग्रेट।
अब मैं क्या करूंगा, एमसी डॉट फाइनलाइज को कॉल करूंगा। फाइनलाइज मेरा मेथड था या फाइनलाइज मेथड कॉल हो रहा है, देखें रन करता हूं, सेव करके देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। ठीक, सिक्स फाइनली और फाइनलाइज मेथड कॉलिंग आ गया। ठीक है, तो एक और चीज करके देखते हैं ये पहले कॉल होता है कि नहीं। ट्राई के ऊपर जाना है, यहाँ पे आना है। अब देखेंगे कि ये कॉल कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो फाइनलाइज मेथड कॉलिंग, सिक्स फाइनली। तो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज किया जाता है फाइनलाइज, बट मोस्टली फाइनली ज्यादा यूज होता है। ठीक है, क्योंकि फाइनलाइज जनरली गार्बेज कलेक्शन से पहले भी कॉल हो जाता है, तो क्या होता है कि फाइनलाइज को हम पहले भी कॉल कर लेते हैं, तो बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के भी फाइनलाइज मेथड यूज हो जाता है। ठीक है, जब भी हमें गार्बेज को क्लीन अप करना होता है, मोस्टली फाइनलाइज सिर्फ क्लीन अप के लिए काम आता है। ठीक है, यस, ये रहा हमारा चक्कर। और कोई डाउट रह गया हो, कमेंट सेक्शन रह गया हो, फाइनल फाइनली या फाइनलाइज से रिलेटेड, बता देना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।